दोस्तों, आज अपन एक चूड़ीदार पजामे की कटिंग करेंगे। इसके लिए कपड़ा लेंगे अपन 2.5 मीटर, जिसका आरज होगा 34 इंच। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, अच्छा चूड़ीदार पजामे में जो लंबाई है, जैसे लंबाई हुई 40 इंच, तो 40 इंच के अंदर अपन 10 इंच एक्स्ट्रा पजामे की चूड़ी पटकने के लिए अपन 10 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे उसकी। यानी कि 40 और 10, 50 इंच एक्स्ट्रा कटिंग होगी। उसमें नेफा अलग होगा और नीचे मोरी में से मोड़ने का कपड़ा मोरी में से मोड़ने का मार्जिन भी अलग होगा। इस तरह से 40 और 10, 50, 50 और 2 इंच नेफे का, 52 और नीचे 1 इंच मोड़ने का। इस तरह से 53 इंच अपन जो है पजामे की लंबाई रखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पर एक 16 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर उसके बाद अपन इसका एक इजी तरीके से बनाने के लिए अपन एक थैला बनाएंगे। तो ये ऐसे करेंगे, अरज के अंदर, जैसे ये अरज है, इसके अंदर अपन इसको इस तरह से करेंगे। अरज को डबल करके अपन यह ऐसे सिले लगा देंगे। इसी तरह से दूसरा मुंह भी अपन इसी तरह से ये दूसरा मुंह भी अपन इसका सिल देंगे। ये भी अपन जो है यहाँ पर अरज में इसको सिल देंगे। अब यहाँ से यहाँ जो 16 इंच लिया उन्होंने, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ लिया ये, इसको पकड़ के यहाँ से भी अपन इसे सिलाई लगा देंगे। दोस्तों ये इस तरह से अपनों ने ये पूरा पूरा सिलाई कर दिया है। ये इस तरह से आइए सिलाई देखिए आप, ये आ रही है सिलाई और ये पूरी आ गई यहाँ तक। अब क्या करेंगे अपन, ये इसका यहाँ से अपन इसको कटिंग करेंगे। ये कटिंग कर दी है और इसको अपन सीधा कर दिए। दोस्तों अब ये इसका पोजीशन तैयार हो गया है, अब अपन निशान लगाते हैं। ये 1.5 इंच नेफा ले लिया, उसके बाद यहाँ से 16.5 इंच पे लटक ले ली और फिर ये 1.5 इंच कम करके अपन लंबाई लेंगे। लंबाई के लिए क्या करेंगे,
40 इंच इनकी लंबाई है, 40 इंच प्लस 10 इंच यानी कि 50 इंच अपने को लंबाई के लिए चाहिए। कम से कम चूड़ीदार पजामे में 10 इंच अपने को ज़्यादा लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ऐसे चूड़ियाँ पड़ेगी। तो अपने को 50 इंच ये और 1.5 इंच नीचे मोड़ने का मार्जिन का, इस तरह से ये अपने को लेना है। अब यहाँ से नेफे के यहाँ से अपन लगाएं घुटने का निशान, ये लटक का निशान 16 इंच, यहाँ से नेफा छोड़ के फिर घुटने का निशान लगाएंगे 24 इंच पर। घुटने की चौड़ाई लेंगे अपन 8 इंच, 8 इंच घुटने की चौड़ाई, और मोरी लेंगे अपन 11 इंच, 10.5 11 इंच मोरी, बहुत ज़्यादा, बहुत 11 इंच मोरी लेंगे। और इस तरह से ये सारे निशान अपन लगा देंगे। ये देखिए, ये घुटने का 8 इंच लिया, इसमें अपनों ने ये निशान लगा दिया। अब यहाँ से अपन जो चौड़ा इसका घेर लेंगे वो 14 इंच लेंगे, तो 14 इंच पे ये निशान लगाया, इसी तरह से 14 इंच पर यहाँ लगाया, और ये अपनों ने इस तरह से ये लगा दिया। और यहाँ से यहाँ ये 16 इंच का जो है लटक है दोस्तों, ये लटक 16 इंच, और यहाँ पर अपनों ने 14 इंच लिया। और ऐसे अब इसको अपने कटिंग करनी है, तो कटिंग करने से पहले खास ध्यान रखना है कि इस निशान के ऊपर अपने को कटिंग नहीं करना है, इसके लिए अपने को अलग से मार्जिन रखना है इसके अंदर। मार्जिन का निशान पहले लगा देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पर कभी टाइट पड़ जाए तो अपन लूज भी कर सकते हैं। दूसरी खास बात ध्यान रखना है ये है कि ये जो जॉइंट आए हैं, ये देखिए आप, ये जॉइंट है, ये जॉइंट आपको यहाँ तक ही लेने, घुटने के आसपास, इससे नीचे नहीं लेने। नीचे बिल्कुल प्लेन कपड़ा होना चाहिए, देखिए आप, ये प्लेन है बिल्कुल, और ये भी प्लेन है। तो ये जॉइंट आप ऐसे एडजस्ट करो कि ये ऊपर ऊपर रह जाए, इधर का जॉइंट ऊपर रह जाएगा और इधर का जॉइंट भी ये इधर आ जाएगा। अभी मैं कटिंग करके बताऊंगा, बिछाऊंगा। यहां से अपन बराबर काट लेंगे, ये नॉर्मल बॉडी के लिए है चूड़ीदार पायजामा। अगर आप चाहें तो हैवी बॉडी के लिए आप इसको और यहाँ से मोरी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घुटना बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से इसका घेर भी बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों अपन इसको ऐसा कैसा उठाएंगे, दोस्तों अब इसके ऊपर अपन इसको वापस बिछाएं, और ये जॉइंट नहीं लेना है अपने को, इसको छोड़ देना है। इस तरह से बिछाएंगे अपन, ये जो निशान लगाया है ये निशान इधर की तरफ आए, ऐसे अपन इसको निशान को उस तरफ निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग।
दोस्तों ये अपनी कटिंग हो गई है। अगर आप चाहें आप चाहें तो यहाँ इसकी म्यानी भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से ये म्यानी भी लग जाएगी और ये चूड़ीदार पजामे की कटिंग हो चुकी है। अब आप सिलाई कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।